So, hello guys, welcome to a new lecture. I hope everyone will be fine. So, now we are going to start a new course in which we will study about the following things. इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे यूज़र अकाउंट्स में हमारे पास तीन तरह के यूज़र अकाउंट्स होते हैं कंप्यूटर में। एक एडमिनिस्ट्रेटर, सेकेंड नंबर पर है इंस्टॉलेशन टाइमर यूज़र, और तीसरे नंबर पर है गेस्ट अकाउंट। ठीक हो गया? तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास वो अकाउंट होता है जिसके फुल राइट्स कंप्यूटर के ओनर के पास होते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास डिसेबल्ड होता है। इंस्टॉलेशन टाइमर यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इनेबल्ड होता है, और गेस्ट अकाउंट रीड ओनली परमिशन, ओके, और बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास डिसेबल्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास हम नहीं चाहते कि हमारा डेटा कोई और कॉपी कर ले हमारे सिस्टम से, तो इसके लिए हम गेस्ट अकाउंट बना सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में हम पासवर्ड सेट कर लेंगे और हमारा पास पर्सनल डेटा उसमें पड़ा होगा। ठीक हो गया? इसीलिए हम मोर यूज़र अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जब लैब्स में सिस्टम्स पड़ी होती है तो उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है जो उनका पर्सनल होता है, उसमें से कोई कॉपी नहीं कर सकता, और एक अकाउंट उन्होंने यूज़र अकाउंट स्टूडेंट्स के लिए बनाया होता है। अच्छा, फर्दर हम इसमें फिर देखेंगे कि किस तरह हम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को इनेबल कर सकते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद हम इनेबल करेंगे गेस्ट अकाउंट को। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह हम नया यूज़र अकाउंट बनाना सीखेंगे। उसके बाद फिर हम उस पर पासवर्ड लगाना सीखेंगे। ठीक हो गया? पासवर्ड किस तरह चेंज करेंगे, उसके बाद पासवर्ड को हम यूएसबी में किस तरह अपने यूज़र पासवर्ड हम यूएसबी में किस तरह सेव करते हैं। उसके बाद में देखेंगे हम किस तरह चेंज और फॉरगो जो पासवर्ड, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा पासवर्ड किसी और को पता चल जाता है और वो हमारा पासवर्ड चेंज कर देता है, हमारा यूज़र अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर देता है, या हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो हम उसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह ये सारे हम स्टेप वाइज चलते रहेंगे। अच्छा, पेरेंटल कंट्रोल क्या होता है कि पेरेंटल कंट्रोल में हमारे पास फिर तीन टाइप्स के रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं अपने यूज़र्स। ठीक है, ऑन स्टैंडर्ड यूज़र। अच्छा, उसमें आता है टाइम रिस्ट्रिक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि घर में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे बच्चे हो जो हर वक्त गेम खेलते रहते हो, ठीक हो गया, और हम चाहते हैं कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक ये अपने सिस्टम पर गेम खेल सकते हैं, उसके बाद ये खुद ही शट डाउन हो जाएगा। ठीक हो गया? और वो ओपन नहीं कर पाएंगे, तो हम टाइम रिस्ट्रिक्शन सेट कर सकते हैं उनके लिए। अच्छा, प्रोग्राम रिस्ट्रिक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं, और गेम रिस्ट्रिक्शन भी हम लगा सकते हैं। उसके बाद हम टाइम रिस्ट्रिक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, गेम रिस्ट्रिक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, और हाउ टू पर्सनलाइज पार्टीशन। सो ये सब हम स्टेप वाइज इंशाल्लाह चलते रहेंगे। ये कोर्स सारा इसी यूज़र अकाउंट के बारे में है, और इंशाल्लाह जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टार्ट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और हाँ, रुकिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।